चलिए, सो वेलकम एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आपके लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं हर हफ्ते करता हूँ। ये वीकली मास्टरमाइंड क्लास है जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, जो मुझसे कमिटेड है, मैं उनके लिए कमिटेड हूँ, जो मुझसे कुछ ना कुछ मेरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोज में होता है, और यहाँ पे मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ सो दैट आप मुझे लाइव देख सके, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो क्लैरिफाई कर सके। उसके साथ साथ में मैं कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने के लिए कहता हूँ, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या फीडबैक है आपकी तरफ से, प्लस आपको दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलता है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। प्लस मैं यहाँ पे जो नए लोग स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, मैं उनका वेलकम भी करता हूँ। सो ये काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस है, सभी लोग एक कम्युनिटी में है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब इसे कहते हैं, और आप सब लोग उसके परमानेंट मेंबर है। मैं सभी लोगों का पूरी तरह से दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आगे जो कुछ भी यहाँ पे हम करने वाले हैं, सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कैसे सवाल करते हो और मैं उसका क्या जवाब देता हूँ। यहाँ पे आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स ही हम लेंगे, क्योंकि मेनली यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आज का इसी चीज पे है। कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट आप देंगे, आप कोई क्वेश्चन करोगे और अकॉर्डिंगली मैं जवाब दूंगा। सो नथिंग इज स्क्रिप्टेड, नो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, बस आप जो पूछोगे अकॉर्डिंगली मैं जवाब दूंगा। बस जो पूछेंगे वो प्लीज स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ रेकी और माइंड पावर, जो मेरा कोर्स है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके, सो आप लोगों को फुल्ली मैसेज के लिए तैयार कर रहा हूँ, आप लोग पूरी तरह से तैयार हो। अभी के लिए जो अभी भी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज जैसे सुनीता रावतरी को अगर आप में से कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज उसको चैट करके हेल्प कर दीजिएगा। आपके ही वो कम्युनिटी के मेंबर है। ओके, मैं उनको अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा, बाकी सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा, वीडियो को भी ऑफ रखेंगे, दैट वुड बी बेटर। जब लास्ट में जब एक सेशन आएगा, जब मैं कहूंगा कि आप पूरी सत्रह चीजें वीडियो में आ सकते हैं, तो आप आइएगा। ओके, और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब भी आप वीडियो में आके पूछ सकते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे कैसे होता है। अदरवाइज आप चैट में करेंगे तब भी मैं आपका जवाब दूंगा। सो वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ी देर के लिए एक बार बुला लूं और आप लोगों को थोड़े से टाइपिंग का प्रैक्टिस करा लूं। तो सभी लोग जो जो भी आ चुके हैं और इस क्लास को करने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से इस चीज में इन्वॉल्व करने के लिए तैयार हैं, वो लोग प्लीज अपने अपने चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। जैसे जैसे मुझे यस नजर आएंगे वैसे वैसे रेनू स्वागत है, भावना, गीता, अनामिका, कुलदीप, भावना, मनीष, पूनम, संजय, प्रवीण, जिज्ञासा, अनीता, किशन वेव, पूजा ढींगरा, आप सबका स्वागत है। राजश्री आपका स्वागत है, दुर्वीश आपका स्वागत है, मोनिका यू आर वेलकम, स्वाति साइगल यू आर ऑल्सो वेलकम, जगदीश सोनी यू आर वेलकम, अमित आपका स्वागत है, अनिल कुमार आपका भी स्वागत है, नवनीत, पूर्वी, कृष्णा, मी ए थ्री आपका भी स्वागत है, अपना नाम वहां पे बताइएगा, सुधा वाली आपका स्वागत है, एच आर के 4003D कौन है आप प्लीज अपना नाम बताइएगा, अजीत शर्मा आपका स्वागत है, नारायणा आपका भी स्वागत है। सो दिस वे यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी, और जो आपका चैट है उसको प्लीज एवरीवन करके रख दीजिएगा। ओके, और अपने माइक को ऑफ ही रखना सो दैट हम लोग डिस्टर्ब ना हो। देविका आपका भी स्वागत है, वेलकम। ओके, प्रवीण बंसरे आपका स्वागत है, दर्शना आपका भी स्वागत है, वेरी गुड। ओके, और मीनवाइल आप लोग सभी लोग जहां जहां से भी हैं प्लीज अपना अपना स्टेट टाइप कीजिएगा। ओके, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, आप सब लोग कहाँ से हैं, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ। और मीनवाइल जो लोग वेटिंग रूम में हैं मैं उनको यहाँ पे बुला लेता हूँ। ठीक है, जो लोग भी जहाँ से हैं प्लीज अपना अपना लोकेशन बताएंगे। लबीना को मैं बुला रहा हूँ, निशितानी को मैं बुला रहा हूँ, जिन जिन को मैं जानता हूँ उनको बुला लेता हूँ सो दैट अननोन और प्रॉब्लमेटिक लोग यहाँ पे ना आए। ओके ओके, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, नाम उनका आ नहीं रहा है तो उनको मैं नहीं बुला रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग अपने अपने लोकेशन लिख देंगे, ठीक है, अपना अपना स्टेट लिख दीजिए। और जो आ रहे हैं वो लोग स्वागत है उनका, वो लोग अपने आप को लोकेशन लिख देंगे। ओके, देश से भी है, विदेश से भी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है,
बीकानेर से भी है, झारखंड से, हरियाणा से, ऑल ओवर इंडिया से हैं, और कुछ लोग बाहर से भी हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ नोएडा से हैं, रांची गाजियाबाद से है, वेरी गुड, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ लोग और हैं, अगर तो मैं उनको नम्रता को मैं अंदर कर लेता हूँ, ओके, जिनको मैं पहचानता नहीं फिलहाल उनको मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये वीकली मास्टरमाइंड क्लास है, ओके, मैं उन लोगों के लिए बताऊं जो मैक्सिमम लोग, करीब नए लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैक्सिमम तो पुराने हैं, बट नए लोग जो आए हैं उनके लिए ये बता दूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक वीकली क्लास ले रहा हूँ जो लाइव है आपके लिए, और यही एक क्लास होगा जो आपके लिए लाइव होगा, अदरवाइज आप जो कुछ सीखेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जो आप अपने टाइम पे देखते हैं, ओके, अपने ही टाइम पे, अपने ही सिस्टम से आप उसको देखते भी है और प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके लिए मेरा पर्सनल गाइडेंस ये होता है कि मैं आपको पूरा वर्कबुक बना के देता हूँ, डेली एक्टिविटीज आपके लिए सेट कर देता हूँ, असाइनमेंट्स आपके पास होते हैं कि आपको रोज क्या करना है, वीकली वाइज क्या करने हैं, और ऐसे ही आपका 4 हफ्ते का प्रोग्राम बनता है, उसमें आप अलग अलग चीजें सीखते हैं। मेनली यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर क्लास में जो सीखने को मिलेगा वो ये कि हम लोग इंटरेक्ट करेंगे कुछ नई चीजें, कुछ ऐसा नया टॉपिक जो वहां नहीं सीख रहे हो, ऐसे टॉपिक में लेके आता हूँ जो कि आपकी लाइफ को एनहांस करने के लिए जरूरी होता है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आज के दिन मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड ले रहा हूँ, सो दैट जो नए आए हुए हैं उनका मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सके, और जो पुराने हैं अगर उनको भी कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैं नए स्टूडेंट्स को वेलकम करूंगा, और जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जो हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 3 महीना, 6 महीने से मुझसे जुड़े हुए, उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होगा रेकी और माइंड पावर को प्रैक्टिस करते हुए, तो उसको हम शेयर भी करेंगे एक दूसरे के साथ। सो ये इस तरीके से 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, और इसमें हम सब लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ चैट करना है, जब मैं बुलाऊं तब आप ऑडियो या वीडियो में भी, ओके, और अपने अपने माइक को प्लीज ऑफ ही रखिएगा। थैंक यू, आवाज आ रही है, मैं इसको मैनुअली फिलहाल तो चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझ के ही काम करें, और जो आ रहे हैं उनको मैं अंदर बुला लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज का क्वेश्चन आंसर राउंड है जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। मेनली आपके कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, क्योंकि इंडिविजुअली सभी से बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं, और उन सबसे इंडिविजुअली बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब बहुत जरूरी हो तो डेफिनेटली बात करूंगा, जब आपकी 1-to-1 सेशन मुझसे आप बुक करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन हर बार लगातार बात करते रहना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ वो डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, और कभी जरूरत पड़े तो मैं लाइव हर हफ्ते आता ही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आने वाले लोग अपने अपने चैट बॉक्स में FT टाइप करेंगे, ओके, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो लोग FT टाइप करेंगे, सो दैट मैं उनका स्वागत कर सकूं। FT, फर्स्ट टाइम आप टाइप करेंगे, ओके। अजीत शर्मा आपका स्वागत है, दीपिका यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, वेलकम टू दिस कम्युनिटी, ओके। रीमा यू आर ऑल्सो वेलकम, मी A3 यू आर ऑल्सो वेलकम, पूर्वी आपका भी स्वागत है, ओके, मुकेश आपका भी स्वागत है, दुर्विश यू आर ऑल्सो वेलकम टू दिस क्लास, ओके, वेलकम, ओके। सो फर्स्ट टाइमर हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे कुछ सीख रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। अगर किसी वजह से आपने अभी तक शक्तिपात नहीं लिया तो मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ, आप प्लीज वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और वेरी नेक्स्ट डे मैं आपका शक्तिपात भी करूंगा। सुनीता आपका भी स्वागत है, फर्स्ट टाइम आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, आप मुझसे बाद में सवाल जवाब करेंगे तब हम आपको हर तरीके का जवाब भी देने के लिए तैयार है। सो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे जुड़ सको लाइव, और जो भी आपके क्वेश्चन है उसका समाधान आप ले सको, उसका आंसर आप मुझसे ले सकते हैं, फाइन। जो नए आए हुए हैं और पुराने वालों के लिए थोड़ा रिपीट हो जाएगा, जो नए वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि हमारे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में
कुछ कोड ऑफ ऑनर है, हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी चीज को लेके हम आगे चलते हैं। और ये छह सिक्स कोड ऑफ ऑनर्स है, वन इज होलिस्टिक लाइफस्टाइल। ओके, जो भी मेरे साथ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अपनी हीलिंग करें, दूसरों की कैसे करें, बीमारी दूर कैसे करें, सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो ऑलरेडी हमारे पास पहले मेडिकल सर्विसेज था, डॉक्टर्स थे, हम दवाई खा रहे थे और अभी तक जिंदा थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मान लो ये कोरोना जो चल रहा है जिससे हम लोग लॉकडाउन है और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि बाहर जाएंगे तो वो बीमारी हमें ना अटैक कर ले। इस चीज के लिए अभी जो बोला जा रहा है, पूरी दुनिया ये मान रही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, अगर आप पॉजिटिव हो, आपकी लाइफस्टाइल आपका नेचुरल और पॉजिटिव हो, तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, राइट? तो उसके लिए डेफिनेटली होलिस्टिक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और वही आरएमपी में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल होलिस्टिक होने लगता है, पहले दिन से आप पॉजिटिव होने लगते हैं, हीलिंग और बाकी जो प्रैक्टिसेस आप जब करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल होलिस्टिक हो जाती है। नंबर टू है एफिशिएंसी। आपको हमेशा अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है टू टेक एक्शन फास्टर। ओके, अपने एक्शन को फास्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली अपने जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो जब आप आरएमपी करेंगे तो डेफिनेटली आपका वो भी बढ़ने लगता है। एंड उसके बाद आता है क्लैरिटी, क्लैरिटी इन योर गोल। यू नो, आपका जो गोल है उसकी तरफ आपकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो और कैसे पहुंचना चाहते हो। और वो दोनों चीजें भी मैं यहाँ पे तय करके दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पहुंचना चाहिए और कैसे वहां पे पहुंचोगे। सो आपको एक क्लैरिटी भी आती है अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए। देन ऑफकोर्स ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, उस पर ज्यादा मैं बातें करता हूँ। और ग्रोथ डेली बेसिस पर होना चाहिए, ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। डेली सुबह से लेकर रात तक आप क्या कर रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, दैट मैटर्स। और अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन में अपने आप को समझने का, अपने अंदर जाने का और ग्रोथ को पाने का। और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो बड़ा इजी है, जो अभी आप करना शुरू कर सकते हैं। लर्न डू एंड टीच, मतलब आप सीखना शुरू करें, सीखते रहें, साथ में उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और जब आपको फायदा होने लगे तो आप इमीडिएटली दूसरों को सिखाएं। उसके लिए आपको 5 साल 10 साल 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स अबंडेंस। अबंडेंस बहुत जरूरी है। अबंडेंस में यह है कि आपको अगर किसी भी टाइप की स्केसिटी महसूस होती है तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको जेनरेट करना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही आपके लिए बहुत एक रामबाण की तरह काम करेगा। और वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करने का तरीका भी मैं धीरे धीरे आपको समझा सकता हूँ जब आप इसमें काम करेंगे। ओके, और आज के डेट में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही आपकी आपको यू नो रिलीफ दे पा रहा है। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ, सभी लोग लॉक्ड है, ऑलरेडी लॉकडाउन में है, सभी लोगों की नौकरी है, जिसका जो नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानें बंद हैं, आपके शोरूम्स बंद हैं, आपके पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें थी जिससे आपके घर बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन आज के डेट में पिछले एक महीने से हम लॉकडाउन है, अगले एक महीने या दो महीने और हो सकता है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये इसलिए हो रही है प्रॉब्लम क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था और वो बंद हो गया फिलहाल के लिए, तो हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, वो भी अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जिसमें आपकी इनकम हो सकती है, तो फिर आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा सिस्टम है, यहाँ पे लॉकडाउन है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा लॉकडाउन से पहले काम चल रहा था, लॉकडाउन के बाद भी वैसे ही चल रहा है। इनफैक्ट पहले से ज्यादा काम बढ़ गया है क्योंकि लोगों को अब और भी ज्यादा जरूरत है मेरे या मेरी सर्विसेज की। अकॉर्डिंगली आप भी अगर हीलर, प्रैक्टिशनर, मास्टर हो तो आपकी भी सर्विसेज की बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो ये डेफिनेटली आपको एक अबंडेंस की तरफ लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, हम लोग इसको कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं और उससे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इसे MSI आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एंड देन कम्स चैरिटी। और चैरिटी पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले भी बोलता था कि आपको करना चाहिए, अब तो डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि ये टाइम है आपको अपने अंदर के उस भगवान को बाहर शो करने का कि यस, आपके अंदर वो भगवान वास करते हैं और आप लोगों की, गरीबों की मदद करना चाहते हैं जिनको प्रॉब्लम है। गरीब नहीं भी है, कई लोग तो लाखों और करोड़पति है, उनके पास अगर खाने का नहीं पहुंचता है, अगर वो लोग सही तरीके से नहीं रह पाएंगे तो डेफिनेटली उनके पैसों का क्या करना है। इसीलिए उन तक भी खाना पहुंचाना जरूरी है। जैसे कि लॉकडाउन है वहां पे 100% बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से और ज्यादा कर्फ्यू लगा दिया, बोल दिया कि आप निकल ही नहीं सकते, ऐसे भी हो गया है, हॉटस्पॉट अभी बन रहे हैं,
तो कैसे होगा? तो डेफिनेटली वहां पे अगर आप चैरिटी करते हैं और उन जो भी एनजीओ हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, वो लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं तो क्या बात है। आप घर के अंदर रहें तो आप चैरिटी करके लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वो जरूर करें। ओके, और यहां पे मैं फिलहाल आपसे फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, ये 6 के 6 जो मैंने आपको बताए हैं जो कोड ऑफ ऑनर है, इनमें से जो चैरिटी की बात कर रहा हूँ जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल तो आप ऑलरेडी अचीव कर ही रहे होंगे, बाकी चीजें धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन क्या आपने अभी तक जैसे कि बोला जा रहा था, क्या आपने चैरिटी किया, क्या आपने गरीबों की मदद की, क्या आपने पीएम केयर्स फंड में कुछ पैसे दिए? ये बहुत जरूरी है जानना और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं जरूर। तो प्लीज अपने अपने चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये पर्टिकुलर काम जो कि बहुत ही धर्म का काम है, आपने किया कि नहीं किया। ओके, भावना ने किया, अनामिका ने किया, कृतिका ने किया, बहुत अच्छी बात है, सुधा ने किया, दीपिका ने किया, भावना ने, भावना दियोरा ने भी किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। और इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि गॉड ब्लेस यू, रिकी ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मैंने भी किया है। बस ये है कि हम उसको ट्विटर में नहीं बता रहे, हम बाकी जगहों पर नहीं बता रहे, जरूरी भी नहीं है बताना, बस आप गुप्त दान कर दो, अपनी तरफ से कर दो और भगवान आपको देखेगा। ठीक है, डेफिनेटली करना चाहिए। मिथिलेश ने किया है, कंचन ने किया है, अजीत ने किया है, थोड़ा सा डजंट मैटर। ओके, आप थोड़ा सा क्या, जब 100 रुपए 500 रुपए भी करते हो, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो ना। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा देना सीख लेना, देना चाहिए, व्हाट एवर गिव आउट यू रिसीव। और आपने बहुत कुछ पाया है अपनी जिंदगी में, कुछ तो बाहर देंगे, राइट? अवनीत ने किया, जिग्ना ने किया, दुर्वेश ने किया है, संगीता ने किया है, अनिता ने भी किया है, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा खुला है, कोई बात नहीं, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही कीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चरणजीत ने बोला है, ओके चरणजीत आपका भी स्वागत है, आपका स्वागत है, आप तो आज फर्स्ट टाइम आई और कुछ देर पहले ही आपने पेमेंट किया है और एक ही माइंड पावर कोर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। और चरणजीत, मैं आपको ये भी बताऊं कि आपकी जो बेटी जिससे बात हुई थी वो मेडिकल डॉक्टर है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। पूरा देश आज मेडिकल डॉक्टर्स और उनके जो भी स्टाफ्स हैं, जो लोग अभी दिन रात काम कर रहे हैं, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। उनको बोल दीजिएगा हम उनके लिए रियली बहुत थैंकफुल हैं कि वो हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। चरणजीत जी, आप उनको बोल दीजिएगा, आपकी बेटी जो डॉक्टर है, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है चरणजीत, आप आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को मैं देख लूँ, शायद वेटिंग में है, तो मैं उनको अंदर कर लेता हूँ। कपिल को कर दू, योगेश को कर दू, जिनका नाम नहीं आ रहा है, I'm not allowing them because मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। Of course, okay, और यहाँ पे और भी एक और डॉक्टर आने वाले हैं अभी शायद हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि वो बिजी हैं। okay, जब आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा अपना मिशन बता दूं, देन क्वेश्चन आंसर में आएंगे। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। ओके, माय मिशन इज टू टीच एंड हेल्प 100,000 पीपल इन द वर्ल्ड टू लिव अ होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। ओके, और उनको मैं होलिस्टिक साइंस सिखा के उनको ये सिखाना चाहता हूँ कि वो लोग भी इस चीज को पूरी दुनिया में लोगों की सेवा करना चाहते चाहे तो वो कर सकते हैं और इसको प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आप अपनी हीलिंग अपने फैमिली के कैसे करें, आप चाहो तो पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी कर सकते हो। और मैं ऐसे लोगों का एक पूरा का पूरा फौज बनाना चाहता हूँ, एक पूरा आर्मी क्रिएट करना चाहता हूँ 100,000 पीपल का, जो पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी क्रिएट करे, होलिस्टिक लाइफस्टाइल क्रिएट करे। ओके, सो ये मेरा मिशन है। और अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लूंगा, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने माइक को फिलहाल बंद रखें, और जिसको भी कुछ पूछना हो, क्वेश्चंस करना हो जो मेरे सिस्टम से रिलेटेड होगा, वो मी टाइप करने के बाद फिर मैं उनको बुलाऊंगा। ओके, सबसे पहले योगेश ने कहा है, तो सबसे पहले मैं योगेश को अलाउ करता हूँ, फिर मैं शंख को बुलाऊंगा। ओके, संजना, ठीक है संजना आप आइए, आपका आईडी आपको योगेश लिखा हुआ है, संजना प्लीज कम ओवर। ओके, आप माइक में आ सकते हैं, वीडियो में भी आ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजना, यस, हाउ आर यू? बस फाइन, हाउ आर यू सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप और सभी लोग अपने अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे, राइट? यस सर। चलिए संजना बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, सिर्फ मैं आपका कर रही हूँ कोर्स पूरा, मतलब अभी मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने पर है, आई मीन माय फोर्थ। कितने दिन हुए? सभी लोग बताएंगे कितने दिनों से कर रहे हैं। सर मैंने आपसे अटेनमेंट लिया था 12 मार्च को, और तब से लेकर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बीच में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी कर रही हूँ मैं, भले रात को 2:30-3 बजे भी, बट कर रही हूँ, और रिजल्ट भी है। सर आपसे ये पूछना था कि मेरी बड़ी वाली डॉटर है ना, उसकी फ्रेंड उसको बहुत डोमिनेट करती है।
मतलब वेरी मच, और वो आराम से सुनती रहती है. मैं बोलती हूँ इतना सुन क्यों रही है तू, मतलब बहुत, मतलब फालतू का, तू नीचे नहीं आती. अभी हम उसको ना बोल रहे तो ऑब्वियसली शी लिसन टू हर पेरेंट्स ना, पर वो उसको चाहिए कि फ्रेंड तू नीचे नहीं आती है, तू मेरे से मिलती नहीं है, मतलब इतना क्यों वो सुन रही है. तो मैं उसको हील भी करती हूँ, आपने जैसे बताया था स्टमक पे, चेस्ट पे और हेड पे मैं, लेकिन वो पता नहीं वो ऐसा लग रहा है कि और बढ़ते जा रहा है. वो डेली उसको फ्रेंड उसको इतना चिल्लाती है और वो आराम से सुनती रहती है. ठीक है, मतलब वो एक है कि क्यों इतना सुन रही है. नहीं वो तो उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है संजना, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हो. ठीक है सर, वो बहुत बहुत मेरी वाली बहुत भोली है, थोड़ी बड़ी वाली डॉटर बहुत, और छोटी वाली कैसे मुंहफट है, मार के आ जाएगी, लेकिन बड़ी वाली बहुत वो है. अच्छा अच्छा मैं उसको, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे कि इतना क्या सुन रही है तू. ठीक है ना, अभी आधे पौने घंटे से सर उसका बात चालू है, लेकिन शी स्टिल लिसनिंग, सुने ही जा रही है, बस सुने ही जा रही है. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो पहली बात तो आपको अपने बच्ची के हीलिंग करना है. ठीक है, ठीक है, अपनी बच्ची के हीलिंग करना है. आप उसको थर्ड आई में हीलिंग दो. ओके, उनके गले में हीलिंग दो, गले में. ओके, उनके एक्सप्रेशंस जो है वो अच्छे होने के लिए एक्सप्रेशंस उसको चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और उसको डोमिनेट किया जा रहा है ऊपर से. इसका मतलब वो जो बोलती है वो सामने. ठीक है, ठीक है, थर्ड आई और नेक बोला ना आपने, पहले पूरा बोला नहीं है. यहाँ पे देने से थर्ड आई में तो देखो उनका, उनके विजडम के लिए होगा, उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो जाए. ठीक है, बैलेंस हो जाए, इसके लिए आप यहाँ पे हील. तो ये यहाँ पे बैलेंसिंग हो जाएगी, उनको थोड़ी सी ना पावर मिलेगा, जो कि ब्रेन की तरफ से एनर्जी मिलनी चाहिए. फिर उसके बाद जब एनर्जी मिल जाए तो उनके गले में हीलिंग भी जरूरी है. यहाँ पे देने से उनका विशुद्ध चक्र बैलेंस होगा, जिससे कि उनकी जो बात है वो कन्विंसिंग होगी और उसमें कुछ दम होगा, पावर होगा. ठीक है, ओके. और यहाँ पे मैं गुस्सा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप कुछ बोलोगे तो उसमें पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए. उसके लिए आप यहाँ पे हीलिंग दो, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है संजना, ओके ओके हेलो. हाँ, और उसके बाद उसके बाद मणिपुर चक्र में हीलिंग दो. मणिपुर चक्र में हीलिंग देने से उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा बैटरी चार्जिंग पॉइंट है, जिसके लिए पहले भी बोला था कि अगर आप सिर्फ मणिपुर चक्र में डायरेक्टली हीलिंग दोगे तो आपकी बैटरी चार्ज होती है. ठीक है, ओके. इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहाँ पे बोलने की ताकत आएगी, एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो उनके लिए पॉइंट होगा वो होगा नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, जो इमोशन का स्थित है. इनका इमोशन डिसबैलेंस है, सही तरीके से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, अपने आप को समझ नहीं पा रही है, इसीलिए इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हील करना जरूरी है. तो ये चार जगहों पे उनको हीलिंग दीजिए, पानी चार्ज करके पिलाइए, और उसको पॉजिटिव बात बोलिए. उसको ये ना मत बोलिए कि जवाब दे दो, झगड़ा कर लो, मार लो, ये मत करो. ठीक है, हाँ, हाँ. जाना है, और किसी को भी हम ओवर पावर कर सकते हैं, बट वो नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए. इसीलिए आप जब हीलिंग करो तो वो पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए, वो दिखेगा आपको. ठीक है ना, हीलिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पर, ठीक होगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा. ओके, क्योंकि कितने साल की है आपकी बेटी संजय? 14 साल की है सर. 14 इयर्स का उनकी अपनी थिंकिंग और आपकी जो भी एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो अपने आप को इतना कमजोर पाती है किसी वजह से, उसको अप करने के लिए 2-3 महीने 6 महीने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, ओके ओके सर, उनको पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, आप करके देखो. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज शंख, आपको कुछ बोलना है शंख? हेलो, हाँ जी सर, कैसे हैं? तो तब से मैं सर के अंडर हूँ और काफी फायदा हुआ है. ओके, ये भी बता दो सन की आपकी मम्मी ने भी मेरे से अटेंडमेंट लिया है, कोर्स किया, आपके पापा ने भी लिया है. हाँ जी सर. नहीं सर, तो हाँ, सो लाइक आई वाज सेइंग, या सो माय होल फैमिली हैज गॉटन अट्यून्ड फ्रॉम पूरन सर, एंड जगह जगह पे हमारा काफी फायदा हुआ है इन वेरियस फैसेट्स ऑफ आवर लाइफ, वेदर इट बी आवर हेल्थ और वेदर इट बी पीस ऑफ माइंड, एवरीवेयर वी हैव बीन फाइंडिंग पीस. लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग किस्म का है. एक्चुअली द थिंग इज दैट आई हैव स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब वेंचर एंड माय मदर हैज आल्सो स्टार्टेड अ यूट्यूब वेंचर. सो टुडे द क्वेश्चन व्हिच आईड लाइक टू आस्क यू
की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ाया, लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब में कई सारे लोग जैसे शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ पे हीलिंग दे, किस चक्र पे हीलिंग दे, और अलग अगर कोई माइंड पावर अगर कोई टेक्निक रहेगी तो वो कैसे यूज किया जाए? ओके, से पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली जब आपका कंटेंट्स अच्छे होंगे, यू ऑलरेडी नो राइट, आपके कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए राइट, और उस चीज पे आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है, इसका कोई शॉर्टकट तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट अगर है तो हीलिंग से डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको नए आइडियाज आएंगे, और हीलिंग कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है राइट। मेनली है कि आपको नए आइडियाज आने चाहिए डेली बेसिस पर, आपको वो एंथुजियाज्म होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, कभी आप डाउन ना हो, उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर आरएमपी को प्रैक्टिस करो शांत, ठीक है, और अपने कंटेंट्स को बढ़ाते रहो। आपको खुद रिसर्च करना है कि कौन सा कंटेंट्स ज्यादा पॉपुलर होता है, किस टाइप के कंटेंट्स बना के आपको डालना है, किस टाइप से उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज करना है, किस टाइप से लोग उसमें आएंगे, जो धीरे धीरे होगा, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर आप बहुत फास्टर तरीके से काम करते हो तो 6 महीने तो मान के चलो, जब आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी बनाना है, मान लो ऐसे लोग कई सारे लोग हुए हैं कि जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक चले गए हो, लेकिन उनको टाइम लगता है राइट, पहले 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। हीलिंग के लिए डेफिनेटली आपको अपने थर्ड आई को तो हीलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, आपको हार्ट चक्र को हीलिंग करना पड़ेगा। आप अगर कंटिन्यूसली अपने ही फेस लाके और अपनी ही आवाज में यूट्यूब में कुछ डाल रहे हैं तो आपको विशुद्ध चक्र पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए शंकर, ठीक है, उसमें फुल पावर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सो दैट आप जो बोलोगे दैट शुड बी मोर कन्विंसिंग, ओके, और कॉन्फिडेंस आपका जो कैमरा को फेस करने का, बात करने का, सामने वाले के साथ में इंटरेक्ट करने का, वो आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, वो डायरेक्टली कहीं से आप जादू से नहीं ला सकते, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो ये जो प्रैक्टिस है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले मुझे ये कैमरा में देखने में दिक्कत होती थी कि मैं ये नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अब इस पर्टिकुलर कैमरा में जहां देख रहा हूँ उसके पीछे शंख खड़ा हुआ है, मैं शंख के आंखों में देख रहा हूँ, सो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि आप कैसे डायरेक्टली किसी के आंखों के थ्रू उसके दिल में उतर सको, और ये करते करते आएगा आपको, तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा, वो आप डेली बेसिस पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली बेसिस पे कंटेंट्स बनाओगे, आप उसको पब्लिश करोगे, फिर उनके रिएक्शंस लोगे, कमेंट्स लोगे, और फिर देखोगे कि कितना व्यूज आ रहे हैं, कितने उसमें लोग जा रहे हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो आपको पता चल जाएगा शंख, ओके। सो पॉपुलराइज करने के लिए डेफिनेटली आपको थर्ड आई में हीलिंग करना है, अपने विशुद्ध चक्र को हीलिंग कीजिए, और अपने रूट चक्र को हीलिंग करना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक सिस्टम बनाना चाहते हो सन, तो यहाँ पे रूट चक्र बहुत मायने रखता है। रूट चक्र को आप पूरी तरह से हील करो मैक्सिमम टाइम में, और विशुद्ध चक्र को हमेशा बैलेंस रखो, और थर्ड आई में हीलिंग करो, दैट्स ऑल, आपके लिए इतना ही काफी रहेगा, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन है सर, एक सेकंड क्वेश्चन जो है, हाँ जी बोलिए। दिस इज रिगार्डिंग लव लाइफ, so the thing is that how do you attract let's say the right kind of person into your life, because कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ लव होना चाहिए लाइफ में, लेकिन वो सही किस्म का भी होना चाहिए कि आपको गलत दिशा में ना ले जाए, तो वैसा टाइप का अगर आप कोई एफर्मेशन अगर कोई हो। देखो अगर मैं अपनी बात करूंगा, ओके शंख, तो मैंने अलग से कोई अफर्मेशंस यूज नहीं किया, मैंने अलग से कोई बैठ के हीलिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने राइट काइंड ऑफ यू नो वुमन मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया जो मुझे मिला, और उन दिनों में मैं एक्चुअली काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा था, मैं ईयर 2003 की बात कर रहा हूँ, ईयर 2004 में जनवरी में मेरी शादी हुई, और ईयर 2003 मार्च अप्रैल में मैं कुछ हद तक यहाँ दिल्ली में था, और गुड़गांव में मैं ब्रह्म कुमारीज के साथ में अटैच था, ओके, और वहाँ पे मैं मेडिटेशंस वगैरह में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, मैं मेडिटेशंस करता था, और मैं उनके साथ भी रहता था, और यहाँ अपने पास भी प्रैक्टिसेस करता था, और उन दिनों में मेरी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी हो गई थी, पॉजिटिव हो गई, कि दैट एक्चुअली मेड मी अ लव मैग्नेट। उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं बोला, बस भगवान को पता है कि भाई मेरी शादी होनी है, मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, तो फेवरेबल कंडीशन ऑटोमेटिकली बन जाता है शंख, जब आप एक्चुअली में इनसाइड आउट पूरी तरह से प्यूरिफाइड होते हैं और पावरफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपको कुछ अलग से मांगने की जरूरत नहीं, अगर आप पूरी तरह से अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ होते हो तो आप अलग अलग मैग्नेट ऑटोमेटिकली बन जाते हो। उस समय मेरी जरूरत थी कि मेरी लाइफ में एक लव आए, एक पर्टिकुलर वुमन आए जिससे कि मैं अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकूं, तो मुझे वो मिलना था, इसलिए मेरे को मिला। मैंने इमीडिएटली ऐसा नहीं बोला कि मुझे वो लड़की चाहिए, लेकिन मुझे मिला, और आज मैं करीब 15-16 ईयर्स हो गए उनके साथ, और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। उनसे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है और रिलेशनशिप को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। सो अट्रैक्ट करने के लिए पहले आप अंदर अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, अपना एक बिलीफ बनाना बहुत जरूरी है शंख, बिलीफ कि
अच्छी लड़कियां भी होती है, बिलीव की गुड लव लाइफ भी होता है, बिलीव की हार्मोनियस रिलेशनशिप भी एक्चुअली होता है, और बिलीव की एक्चुअली यू डिजर्व अ गुड लव लाइफ, ये आपको करना है। इसके लिए आप अपने आप को पूरा हार्ट चक्र पे हीलिंग करो, राइट, आप अपने थर्ड आई को हीलिंग करके रखो, सो दैट आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखे, वो लड़की दिखे, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सको, आपका थर्ड यू नो इंट्यूशन ही आपको बता दे कि यस वही सेम लड़की है। क्योंकि मैंने कभी भी अलग अलग लड़कियों को नहीं देखा, मैं बार बार जाके अलग अलग लड़कियों के पास में नहीं गया, मैंने कोई यू नो देखने नहीं गया, कई सारे लड़कियां मैंने रिजेक्ट नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही लड़की को देखा और एक ही मैंने शादी की और वही मेरा परमानेंट हो गया। ये होता है आपकी लाइफ जब आप पॉजिटिवली आप सोचते हो और आप हमेशा भगवान पे भरोसा करते हो कि वो एक डिवाइन प्लानिंग के साथ आपके साथ है, एंड यू आर सो फेथफुल, यू नो आप अपने आप को पूरा पॉजिटिव बनाते हो। और सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आप रिलेशनशिप को 100% विश्वास करो कि ये होता है, लव लाइफ अच्छा होता है। देखो आपको पहले भी मैंने बोला है कि आपको ये जो मैसेजेस मिलते हैं आपको यू नो सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, कि लड़की अच्छी नहीं होती, वाइफ हमेशा ऐसा होता है, हस्बैंड की जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये जो बिलीफ है वो नहीं रखना है आपको। आपको ऐसा बिलीफ रखना है कि अच्छी लड़की भी होती है, वो आपकी लाइफ को अच्छी बनाती है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार हो सकता है, आपको वो बिलीफ पहले पैदा करना है। संग आर यू विद मी नाउ? अभी तक ओके, आपको वो बिलीफ पैदा करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको वो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट करना है, तो ऊपर से ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी तरफ बढ़ने लग जाता है। आपको वो सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर 98.3 FM सुनना है जहां पे अच्छे गाने सुनने को मिलता है, या फिर RJ रौनक सुनने को मिलता है जो आपको हंसाता है और आपकी एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन अगर आपका वाइब्रेशन ठीक नहीं है, आपने सही फ्रीक्वेंसी में उसको सेट नहीं किया, तो आपको आकाशवाणी लेकिन 98.3 FM नहीं सुनाई देगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी को सेट करना जरूरी है। और मैं संघ अपने वाइब्रेशंस को इक्विवेलेंट बनाना है, अगर आपको लव चाहिए, लव लाइफ चाहिए, तो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन यहां बनाइए, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस। ठीक है संग, तो स्टार्ट डूइंग दैट एंड कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट। इसमें आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जितना लग जाए, बट यू कैन डू दैट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकम अ लव मैग्नेट। ओके ठीक है शंख। ओके सर, थैंक यू। सुधा आपको कुछ कहना है? सुधा बाली, सर आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है ना, सबको आ रही है, बताइए। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। मैंने आपसे 14 जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का अटेनमेंट किया था, जो कि अच्छे से मैंने मार्च तक किया, और फिर मार्च 14 को मैंने थर्ड लेवल का अटेनमेंट आपसे लिया। तो उसमें मैं सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन ग्रिड हीलिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो मैं आपसे मंगा नहीं सकती, क्रिस्टल्स नहीं कर सकती क्योंकि वो मैं आपसे मंगा नहीं सकती। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने लिखे हुए हैं कि अगर हम अभी, जब मैंने 36 मिनट्स की हीलिंग भी कर ली है, मतलब जितने दिन आपने बोला था, ऑलमोस्ट 1 महीना कल हो जाएगा, तो अभी डेली प्रैक्टिस के लिए इज इट ओके कि अगर हम 12 मिनट की हीलिंग रोज करें, स्वैसो 5 मिनट करें, ब्रीदिंग 5 मिनट करें, मेडिटेशन 5 मिनट करें, और वही 36 मिनट जरूरी है? ठीक है, पहली बात मैं सभी के लिए बता दूं, सुधा बाली जी एक टीचर रह चुकी हैं, रिटायर्ड हैं। हाँ, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं सारे टीचर्स के रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड सुधा जी, आपको आज के डेट में कोई ऐसी कोई बीमारी है जिसके लिए आपको कोई मेडिकेशन दवाई लेनी पड़ती हो? नहीं सर, नहीं, थैंक यू, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम परफेक्टली फाइन। मुझे पता है, मैं सब दूसरों के नॉलेज के लिए पूछ रहा था। तो आपको 12 मिनट की हीलिंग सफिशियंट है, जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा करने की, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, बिकॉज़ हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो 6 मिनट्स अ डे हीलिंग करेंगे काफी रहेगा। और मैंने जो आपको स्वाई सो या फिर अभी आप पिंक स्वाई कर रहे होंगे, तो प्लीज उसको करते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एज होने के बाद ना आपके घुटने आपका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाएगा, इसीलिए उसको करने के लिए मैंने इजी एक्सरसाइज बताया हुआ है। कहीं नहीं जाना और घर पे रह के बेड के साइड में ही आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटा कर लेंगे, आप एकदम फ्री हो जाएंगे, आपका हर बॉडी पार्ट अच्छे से काम कर रहा होगा, और 12 मिनट की सेल्फ हीलिंग इज गुड। बाकी दूसरों की कैसे हीलिंग करनी है, कब करनी है, प्लीज उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके सुधा जी। सर मैंने वो बुक पढ़ी है, वो अनसबकॉन्शियस माइंड वाली जो है ना, वो पढ़ी है, लेकिन मैं ये खरीद लूं क्या बाजार से, मेडिफिक ट्रीटमेंट बाय बेंजामिन बिड? बेंजामिन बिड का कौन सी किताब, मेडिपिक वाली? यस यस, वो मैं आपको भेज दूंगा, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा ना, वो जरूर सर, जरूर, थैंक यू। असल मेरे एक दो क्वेश्चंस और हैं।
रिमाइंड कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड यू दैट। ओके, अच्छा, और मेरा एक और क्वेश्चन है, जब भी हम साइकिक हीलिंग करते हैं ये चौकरे से, सेहकी से, कॉन्सेंट्रेशन से, डायकोमियम से, हमको ड्रॉ नहीं करने है ना, खाली हमको बोलना है एंड वी हैव टू अज्यूम कि वो सफेद धुआं निकल रहा है और पर्पल सब निकल रहे हैं। अभी 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 आप एक्चुअली थर्ड लेवल में हैं, ओके, जिसमें आपकी थर्ड आई के एक्टिवेशन कराया गया है और आपकी कई सारी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेटेड है, जो आपको शायद पता चला हो या नहीं पता चला हो, इंट्यूशन, क्लैरवॉयंस, इसीलिए आप सिर्फ इमेजिन भी करेंगे तब भी वो काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे इमेजिनेशन पर ज्यादा काम करेंगे और साइकिक हीलिंग तो टोटली इमेजिनेशन के ऊपर है, मनोकामना स्थिति ध्यान टोटली इमेजिनेशन के ऊपर है, कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाना है, सिंपल एक जगह बैठना है या तो लेट जाइए एंड यू कैन डू दैट इन 20 मिनट्स। ठीक है, सर, जब आपने बोला ना कि हम उसको हर अल्टरनेटिव डेज कर सकते हैं एंड वी कैन टेल चॉकलेट टू डू इट एवरी 3 आवर्स प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक आज करी है जिसमें आई हैव रिमूव्ड वन ऑर्गन एंड आस्क गॉड टू गिव मी अनदर रिप्लेसमेंट, तो उसके लिए भी आई हैव टू डू इट अल्टरनेटिवली बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड। आपने एक बार रिप्लेस कर दिया ना, बट ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, दैट ओनली मैटर्स, दैट इज द क्रक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। मेन है कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर क्लिक हो जाए तो 5 टू 10 मिनट्स में भी रिजल्ट्स आए हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, ओवरनाइट में रिजल्ट आता है, तो दूसरे दिन तो एज इट इज रिजल्ट आ जाता है, लेकिन चूंकि उसका अभी मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ होगा, लैब का रिपोर्ट नहीं है आपके पास, इसीलिए ऑल्टरनेट डेज करते जाइए जब तक उसका नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आता। ठीक है, आपकी तरफ से करते जाइए, ओके, और आपको खुद दिखाई देगा, हो सकता है कि मान लो आप स्टोन रिमूव कर रहे हैं किसी के किडनी से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहां पे रिपोर्ट में क्या बताया है कि उसमें एक 5 mm का एक स्टोन है, और आप जब रिमूव कर रहे हैं या फिर उसको हीलिंग दे रहे हैं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको दिखाई देगा 3 छोटे-छोटे स्टोन्स है। हाँ जी जी, लेकिन आपने 3 देखा, क्यों देखा, क्योंकि वो टूट गया है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको दिखाई देगा वो है नहीं, तो आपको खुद दिखाई देगा, या फिर आप अपने हिसाब से करके जाओ, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा जब रिपोर्ट आएगा। ठीक है सर, आपके जो वीडियोस हैं दे आर सो वेल एक्सप्लेन्ड कि उसको 2-3 बार देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे हम ही टीचर बन गए। थैंक यू सो मच, मैंने आप ही लोगों से सीखा है। थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके अनीता, आपको कुछ पूछना है? अनीता, अनीता, यस सर, अनीता प्लीज प्लीज पूछिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने जस्ट अभी ज्वाइन ही किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 20 मार्च से ही आपसे अटैच हूँ और मेंटली मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी क्योंकि मुझे रेकी के लिए बहुत ज्यादा मुझे सीखना है, मुझे अपनी लाइफ करना है। पहले मैं ऑनलाइन बिजनेस चलाती थी, मेरे माइंड में आया कि मैं रेकी के साथ भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ आगे अपनी लाइफ में। एज अ वर्किंग वुमन मैं अभी टीच कर रही हूँ। सर मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं, जैसे कि मुझे वर्क दिया गया है कि आप अटेनमेंट के बाद कुछ दैनिक गतिविधियां हैं जो चार्ट में मेंशन करने थे, उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, दैनिक गतिविधियां कैसे, उसको क्या करना है, वो मुझे समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहली बात तो आपका अभी अटेनमेंट नहीं हुआ, मैंने कल सुबह के 7 बजे के लिए अभी आपको टाइम दिया है, ठीक है अनीता, ठीक है, उससे पहले आपको जो करना था वो है ओम म्यूजिक डाउनलोड करना और बाकी मैंने आपको बता दिया जो आपने कर लिया, ठीक है ना। तो कल सुबह आपका 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में अटेनमेंट जो शक्तिपात हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है आपके पास वीडियो है। ओके, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रेकी होता क्या है, उसकी क्या कहानी, 1 घंटे का पूरा क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से एक कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए क्या बोल रहा हूँ। आप जान रहे हैं एक सुधा वाली जैसे सीनियर टीचर भी बोल रहे हैं कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको समझ में आता है, इसका मतलब है कि एक्चुअली मैं एक्सप्लेन पूरी तरह से, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरी की पूरी सिस्टम है, आपको पूरा क्लास करना है, जैसे सोच लो कि मैं सचमुच में आपके सामने बैठा हूँ या खड़ा हूँ और आपको पूरा समझा रहा हूँ, पूरा क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे का क्लास कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद आप ये सीखो कि कैसे रेकी का आह्वान करते हैं, कैसे हीलिंग देते हैं, कैसे उसको स्थापित करते हैं और रेकी को कैसे बंद करना है या नहीं करना है, वो भी एक वीडियो है, वो देख लो। फिर आता है रेकी का सिद्धांत, वो भी आप देख लो और उसके एक ऑडियो है उसको डाउनलोड कर लो ताकि बार बार सुने और वो पक्का हो जाए, वो आपको डेली इम्प्लीमेंट करना है। देन एक और पार्ट है जिसमें वाटर चार्जिंग है, वो वाटर पार्क चार्जिंग का भी आप सीख लो, सिंपल सा 2 से 3 मिनट आप पूरे परिवार के लिए पानी चार्ज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ये कर लो और बाकी तो आपको वर्कबुक में सारा मिलेगा। डेली एक्टिविटी चार्ट में सिर्फ आपको यह देखना है कि कितने सारे एक्टिविटीज हैं,
ओके, और वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने सिंपल टिक करना है, मैंने ये किया या ये नहीं किया। और मुझे डेट लिख के भेजना है, जैसे कल का डेट होगा 12th April 2020, तो आप 12th April 2020 लिख के रात को सोने से पहले मुझे फोटो लिख के भेज देंगे, ये आपका काम होगा डेली बेसिस पर। फिर एक और काम होगा, एक और काम है अनिता, वो है ग्रैटिट्यूड। आपको एक नोटबुक बनाना है, रजिस्टर बनाना है, जिसमें डेली 5 चीजों के लिए आपने थैंक यू लिखना है, 5 चीजों के लिए थैंक यू डेली लिखना है। कोशिश करेंगे कि अलग अलग चीजों के लिए लिखना है, वो भी फोटो खींच के साइड में डेट लिख के मुझे भेजेंगे। ये मैं 2 चीजें हर स्टूडेंट से करवाता हूँ और रिजल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि मैं सीरियसली करता हूँ, तो वो लोग भी जानते हैं कि सर पूछते हैं, इसलिए वो लोग भी सीरियसली करते हैं, इससे रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि आपका शक्तिपात नहीं हुई है, तो कल के बाद ही आपको उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी आपके पास कुछ है ही। कल मैं आपसे एनर्जेटिकली जुड़ रहा हूँ अनिता, ठीक है? एक क्वेश्चन है जैसे मेरी मदर मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, बट मैंने ये रेकी तो मैं बहुत पहले से थोड़ा 2-3 महीने से आप अटैच हुई हूँ, इसके बारे में जानना शुरू किया, और आपसे मैं 20 मार्च से ही अटैच हुई हूँ। तो ये जो रेकी है, इसके बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने अपनी मम्मी को हील करने की सोची, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब अभी ऐसे माइंड से चल रही है कि वो अपनी फैमिली मेंबर है एक, जिसकी वजह से वो बहुत डोमिनेटेड है। जब मैंने आपके वीडियोस उनको भेजे, मैंने उनसे कुछ काम मतलब करवाए, जो उनकी रूटीन मैंने चेंज करवाई, सुबह उठ के सिर्फ मैंने उनको कहा कि आप रेकी का आह्वान करो, डजंट मैटर कि वो होगा कि नहीं होगा, मैंने उनको ये करने के लिए कहा। उनके बॉडी में जो पेन था वो काफी हद तक कम हो गया है, और उनके अंदर बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं, जो उनके थॉट्स थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो कल आपने क्लास में बताए थे, उसको भी मैंने मम्मी का चेंज करने की के लिए बहुत सारी चीजें उनको समझाई। और थैंक यू वाला जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है ना, कि सबको थैंक यू बोलो और सबसे सॉरी बोलो, वो चीज भी मैंने मम्मी को समझाई, तो उनके अंदर जो दूसरे किसी के प्रति घृणा और जो गुस्सा था वो काफी हद तक मैंने कम देखा, मतलब बहुत कम हो। क्वेश्चन क्या है अनिता आपका, प्लीज? क्वेश्चन यही है कि मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वो तो लिख नहीं सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, बट उनको मैं चाहती हूँ कि आप उनको अपना स्टूडेंट बनाएं, आप उनको कैसे सिखा सकते हैं? पहले क्या करना है, सबसे पहले पहले आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपकी हीलिंग होनी चाहिए, आपकी जो दुनिया भर की प्रॉब्लम है वो ठीक होना है। आपको जब मैं सिखा दूंगा तो आप अपनी मम्मी की हेल्प कीजिए ना, आप नहीं करना चाहते हैं खुद हेल्प, हेल्प नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते, तो आप पहले खुद सीखिए ना, आप ठीक है। तो सबसे पहले आप करना, कल से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ कि अभी आप कुछ सीख रहे हो, कुछ भी आपने मुझसे सीखा है, क्योंकि सबसे पहले अटूनमेंट की जरूरत है, मैं कल करूंगा। उसके बाद जब एनर्जेटिक पूरा का पूरा कनेक्शन हो जाएगा, जब आप शुरू करोगे, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, अभी आप मेरे स्टूडेंट बने नहीं, ठीक है? और आपकी मम्मी का मैं हेल्प करूंगा, लेकिन पहले आप भी तो सोचो ना कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, राइट? कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, मैं आपको खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। सो बी देयर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट बुलाऊंगा कंचन। कंचन, कंचन, हेलो। हेलो, हाँ कंचन। सर मुझे ये पूछना था, जो मनोकामना सिद्धि जो है वो एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए कर सकते है क्या? मनोकामना सिद्धि एक से ज्यादा आपके अपने होने चाहिए, खुद के नहीं, ज्यादा तो कर ही सकते हो ना, अलग अलग आपको बैठना पड़ेगा। एक मैंने अपने लिए किया, ठीक है, मुझे घर चाहिए, मैंने अपने लिए कर लिया, 20 मिनट लगा। फिर मेरे भाई को भी एक नौकरी में जाना है, उसको एक नया नौकरी चाहिए, तो मैं उसके भाई के लिए। फिर उसके बाद मिस्टर एक्स के लिए, जिसको शादी करनी है, तो मैं उसके लिए जाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर मेरा खुद का ही कई सारे वो है, जैसे कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, साथ में मेरे सामने कार भी चाहिए, और मैं बीवी बच्चों के साथ में फॉरेन ट्रिप में भी जा रहा हूँ, मान लो ये 3 मेरे अलग अलग है, देख सकता हूँ ना, एक ही मूवी बना लेता हूँ माइंड में, एक ही मूवी बना के सामने घर भी होगा, कार भी होगी, कार में बैठ के हम लोग जा रहे हैं और हम लोग फॉरेन ट्रिप में भी जा रहे हैं, ये सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल है, एक ही साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो एक ही बार में होगा। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, मल्टीपल भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आपको टाइम अलग अलग देना।
अच्छा अच्छा देखा अभी हम लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, एक मूवी देखा उसके बाद कट, फिर दूसरा मूवी देखा कट, रामायण देखा कट, फिर हम लोग दूसरे में आ गए कट, ये अलग अलग चीजें कर रहे हैं ना हम लोग अलग अलग। एक मूवी देखा कट किया फिर दूसरे मूवी में आ गए, ओके मल्टीपल के लिए भी कर सकते नहीं अब कोई नहीं। एंड महिंद्रा महिंद्रा आपको कुछ पूछना है, महिंद्रा जल्दी जल्दी आएंगे फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट में चला जाऊंगा अगर आप नहीं आए। अब पूजा डिंगरा आपको आना है, पूजा 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 नहीं दर्शना जो आएंगे मैं उन्हीं को बुला सर। हेलो सर, दर्शना बोलिए। हाँ सर आपका यस सर यस सर। हाँ हेलो हेलो। हाँ दर्शना बोलिए ना प्लीज। हाँ सर हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते मुझे ये आरएमपी सीखते और अभी एक महीना हो गया है तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब अभी घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, घर में ही मेरे हस्बैंड को लड़की को दिया था मैंने रेकी, थोड़ा उसको गर्दन में थोड़ा दर्द था और हस्बैंड को पीठ में बहुत दर्द था तो उनको दिया था रेकी तो उनको ठीक हुआ है। मेरा क्वेश्चन है सर आपको कि वो जो सेवन चक्रस की जब हीलिंग करते हैं तो वो एक्टिव होते वो मालूम नहीं पड़ते सर, लेकिन हीलिंग करती हूँ मैं एनर्जी ये करती हूँ लेकिन वो एक्टिव हो रहे कैसे मालूम पड़ेंगे सर? क्या आप चक्र हीलिंग करते हो तो एक्टिव हो रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? ओके आपको पता है कौन सा चक्र किस चीज के लिए काम करता है? वो तो नहीं पता लेकिन वो थर्ड आई मान लो। मान लो कि आप विष्णु चक्र के लिए हीलिंग करते हो, आप विष्णु चक्र के लिए हीलिंग करते हो तो कैसे पता चलेगा एक्टिव है कि नहीं? आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपकी आवाज में अलग टाइप की यू नो अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी। आप कभी भी किसी से बात करोगे तो बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं, ओके आपकी बात पावर आपका गुस्सा और इरिटेशन खत्म होगी, ठीक है आपका गुस्सा इरिटेशन कम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ठीक है आपका विशुद्ध चक्र काम कर रहा है। मान लो कि आपको आप थर्ड आई हीलिंग कर रहे हैं वो एक्टिवेट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? आपके इंट्यूशंस अच्छी हो जाएगी, आपको कई सारी चीजों के बारे में पहले से पता चलेगा, आपका माइंड हमेशा बैलेंस रहेगा रिलैक्स रहेगा, ओके आपकी इंटेलिजेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका मेमोरी एनहांस होगा, आपका फोकस अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा। जब ये हो रहा है इसका मतलब आपका थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट है, समझ रहे हैं आप? तो जो उस पर्टिकुलर चक्र के लिए आप कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड आपको जो रिजल्ट मिलेगा तो काम कर रहा है ना। पहले से कोई गाना नहीं आएगा कि पीछे से कोई वायलिन बजाएगा अचानक फूल गिरने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके अचानक भगवान दिखेंगे उजाला दिखेगा, ये सब अलग बातें। यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो आप जिस चीज के लिए कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं वो देख लो, ठीक है और आपको पता चल जाएगा कि वो काम कर रहा है, ठीक है कंचन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, महेंद्र या तो पूजा ढिंगरा अगर आपको आना हो तो, ओके पूजा ढिंगरा आपको आना है तो आप आए। पूजा ढिंगरा ने वैसे लिख के दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि हम हीलिंग करते हैं तो शुरू में सेंसेशन आता है, हाथ में गर्मी तो होती है लेकिन वहां से कई बार हल्की हो जाती है, वो जो सेंसेशन है हल्की हो जाती है, तो क्या हमें वापस हाथ को रगड़ना पड़ेगा फिर इन्वोक करना पड़ेगा? इसका जवाब है कि नहीं, आपको वापस रगड़ने की जरूरत नहीं है, इन्वोक करने की जरूरत नहीं। एक बार इन्वोक किया जब तक आपने स्टेबलाइज कर दिया या फिर जब तक आप बंद नहीं करते फिर से इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। आपका जब हीलिंग करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा असर कम होते हुए नजर इसलिए आएगा क्योंकि जब आपकी हीलिंग सफिशियंट एनर्जी चली जाती है तो अपने आप ही उस जगह से वो एनर्जी को सोखने का जो प्रोसेस है कम हो जाता है, वो उसको खींचते नहीं है, ओके एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वहां पे हीलिंग हो गई है। या फिर जिस जगह पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कम जा रहा है वहां पे ये भी हो सकता है कि वो एनर्जी पूरा ब्लॉक है, वहां पे ज्यादा देर तक हीलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये सेंसेशन आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे कम ज्यादा लगेगा बट इसका मतलब ये नहीं कि रेकी बंद हो गया, ओके सो आप कंटिन्यू हीलिंग कर सकते हैं, फिर से इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपने कहा कि मैं अपने 14 साल की बेटी के लिए हीलिंग करना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, उसका ध्यान नहीं लगता वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप उसको पूरे 12 पॉइंट्स में हीलिंग दे दीजिए, थर्ड आई में हीलिंग दे दीजिए, उसके पेट में ज्यादा हीलिंग दीजिए, बच्चे को यही दो चीजों में काम करेंगे तो काफी हो जाएगा, उसका काम चल जाएगा, पानी चार्ज करके दिया कीजिए अपने बच्चे को, ठीक है। तो ये हीलिंग आप लगातार आप कर सकते हैं, मैंने आपको दिया पूजा, मैं इसी की रिप्लाई दे रहा हूँ पूजा, आपको मुझे रिप्लाई दे दिया, थैंक यू सो मच।
महिंद्रा मैंने आपको बुलाया था, महिंद्रा भाई बोलिए। हाँ यस सर 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 मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर। हेलो 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 सर मेरा सर मेरा सेकंड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल का मैंने अटेंडमेंट लिया है आपसे और अभी मेरा फोर्थ वीक चल रहा है। तो सर मुझे एक आपको ये पूछने का एक दो सवाल ये है मेरा सर कि मान लो कि हम किसी का डिस्टेंस सेलिंग कर रहे हैं तो हम तो यहाँ शांति से 20 मिनट बैठे है तो अगर सामने वाला को किस पोजीशन में रखने का उसको भी शांति से बिठाने का है कि वो क्या करने का इसके बारे में जरा आप समझाइए। हालांकि आपको व्हाट्सएप में बताया था आपको समझ भी नहीं आया। हाँ नहीं सर कोई बात नहीं अच्छा है सबके लिए आपने पूछा होता है कि सो मच आपकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है देखो जब भी हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं पहली बात तो मैं अपने केस में बोलूंगा कि 99% टाइम पे सामने वाले को पता ही नहीं होता कि मैं उसको हीलिंग दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो उसकी वाइफ या तो उसका हस्बैंड या तो उसके परिवार वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं किसी सर्दी खांसी जुकाम वाले को हीलिंग नहीं देता। मेरे पास एक्सट्रीम केसेस आते हैं कैंसर के पेशेंट आते हैं आईसीयू में है ऐसे पेशेंट आते हैं हार्ट की ब्लॉकेजेस है अभी ऑपरेशन होना है शराब छुड़ा दो रिलेशनशिप में दिक्कत है डिवोर्स हो रहा है ऐसे लोगों से नहीं पूछा जाता है कि मैं हीलिंग दे दूं क्या वो मानेंगे नहीं। ठीक है महेंद्र इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ अपने टाइम पे हीलिंग देना है जब उनको जरूरत है उनको मिल जाएगी। अच्छा 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 ओके रिजल्ट आता है मैम 99% केसेस मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं मैंने बोल दिया कि चिंता ही मत करो कि सामने वाला क्या कर रहा है वो दौड़ भी रहा है भाग भी रहा है कुछ भी कर रहा हो आपको कोई दिक्कत नहीं आप हीलिंग दे दो उसको डायरेक्टली मिलेगी और तब मिलेगी जब उसको ज्यादा जरूरत है। डोंट वरी ओके दूसरी बात अगर आप सिंक कर सको आप सिंक कर सको कि मैं अभी आपको हीलिंग दे रहा हूँ और आप बैठ जाओ तो आराम से ऐसे चेयर में बैठ सकते हैं ऐसे ज्ञान मुद्रा करके बिठा दीजिए हो सके तो वो ओम म्यूजिक जो मैंने आपको दिया उसको दे दीजिए बोलिए इसको सुनिए और ओम ओम का जाप कीजिए उसको एंगेज कर दीजिए और आप हीलिंग दीजिए ऐसा भी हो सकता है या फिर उनको लिटा दीजिए अगर वो ज्यादा बीमार है और उनको बोलिए कि आंख बंद कीजिए और मैं आपको भेज रहा हूँ आप उसको रिसीव करें ऐसे करके भी आप हीलिंग दे सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको पता हो कि आप हीलिंग दे रहे हो और उसी टाइम पे देना भी जरूरी है। ठीक है महेंद्र ओके सर ओके सर 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 एक मिनट सर वन मिनट सर प्लीज बोले सर अभी मेरा ये सवाल है कि हम फोर्थ वीक के अंदर 72 मिनट्स का हम जो सेल्फ हीलिंग है सर सर वो 72 मिनट का करना कंपलसरी है सर नहीं अभी मैंने सुधा जी को वही बोला कि अगर आप बीमार नहीं हो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको तो 12 मिनट करो ना काफी है। अच्छा मैं 36 मिनट का तो मैं कर ही रहा हूँ डेली 36 मिनट को आप कंटिन्यू कर लो अगर आप कंटिन्यू ठीक है और सर दूसरी बात ये है कि मैं आपका YouTube का भी वीडियो देख रहा हूँ सर तो YouTube के अंदर अपने सेवन चक्र का हीलिंग का जो मंत्र बताया है आपने हाँ तो सर वो भी करना जरूरी है क्या करें इसके बारे में वो जरा प्लीज क्लेरिफाई कीजिए सर। जरूरी जो है वो मैं आपके कोर्स में डेली एक्टिविटी चार्ट में बता दिया है आप सिर्फ वो करोगे आपका पूरा कल्याण सर। ठीक है ओके सर ओके YouTube में जो लोग हैं वो मेरे सारे स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए कुछ जनरल चीजें बोल देता हूँ ताकि वो लोग भी कुछ फायदा उठा सके। अच्छा 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 सर पेमेंट दे रहे हो आप पेड हो मेरे स्टूडेंट हो मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं आपको ऑलरेडी एक पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें दे रहा हूँ जो प्रूव्ड है कि 10 सालों से काम करता है बस आप इतना ही कर लो ज्यादा दिमाग ही ना लगाओ सिर्फ इतना कर लोगे जी जी सर बाकी चीजों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन कंपलसरी मेरी तरफ से जी सर नुकसान कुछ नहीं होगा चाहो तो कर लो लेकिन जो आपको मैं डेली एक्टिविटी चार्ट में वर्कबुक बना के दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए वो 100% कीजिएगा एकदम रिलीजियसली क्योंकि रिजल्ट आता है। जी सर जी सर जी सर आपकी मर्जी आप दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच ओके गैलेक्सी J6 का छोटा सा क्वेश्चन वहां से ले लेता हूँ फिर मैं आप बाकी लोगों से पूछूंगा आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्लीज बेयर विद मी क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है हीलिंग करते वक्त स्ट्रेट नहीं बैठ सकती बैक प्रॉब्लम है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर जब भी आप रेकी हीलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ फायदा होगा नुकसान नहीं हो सकता। ओके अगर आपको बैठे बैठे तकलीफ हो रही है क्योंकि एंग्जायटी से आपका बैक का प्रॉब्लम है आप लेट जाओ ना आराम से लेट जाओ अपने बिस्तर पे और लेटते लेटते हीलिंग करो बैठना किसने बोला आपको जरूरी है आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। मेरे पास एग्जाम्पल है जिग्ना शाह मुंबई से पूरी तरह से बेड रिडन थी ओके और कई महीनों और सालों से वो दिक्कत में थी और वो जब मुझसे संपर्क में आई थी तो वो पूरी तरह से बेड रिडन थी लेटे लेटे ही अट्यूनमेंट लिया
और लेटे लेटे ही प्रैक्टिस करके वो कुछ दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में शादी में डांस कर रही थी, तो काम तो करता है। मेनली है कि आप उसको आराम से करो ताकि आप तकलीफ नहीं आए, तो आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। रेकी हीलिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे सिर्फ फायदा होता है। आप सिर्फ हीलिंग करो लेकिन आराम से करो, आराम से कर सकते हो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए मैं अब विकास से पूछूंगा, अगर विकास को कुछ पूछना है। विकास विकास नहीं है तो मैं राजश्री को बुलाऊंगा, राजश्री जल्दी जल्दी बोलेंगे। मैं सभी लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, सभी लोगों को बताऊं कि हमारे साथ डॉक्टर अनुज पॉल जुड़ चुके हैं। ये एक मेडिकल डॉक्टर हैं और बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं। आज भी ये करीब करीब यहाँ लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारे केसेस हैं और उनको ये डील करते हैं। मैं इनको भी पूरी तरह से एक ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ। डॉक्टर अनुज पॉल, आप लोग आज के डेट में पूरी दुनिया में भगवान के बराबर हो। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी अपनी जगह पर एटलीस्ट ताली बजा दें। हमारे सारे डॉक्टर्स और हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो लोग पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं, मैं उन लोगों को एक्चुअली मैं थैंक यू कहता हूँ। डॉक्टर अनुज पॉल, आपका स्वागत है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं अभी पूछना चाह रहा था विकास से, अगर विकास है तो, नहीं तो राजश्री आप आ जाओ जल्दी जल्दी। ओके, राजश्री है? नहीं है। मिथिलेश, आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन प्लीज। ओके, हेलो मिथिलेश। हाँ मिथिलेश बोलिए प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिथिलेश, बोलिए। हाँ सर, मैं तो आपकी बहुत स्लो और बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं सर, आराम आराम से करो, कोई बात नहीं। हाँ, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगले लेवल पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। क्या लेवल में जाएंगे आप? मास्टर लेवल में तो आ ही गए हो आप। ठीक है सर, अब जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे उसमें भी लगे। हाँ सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है और एक चीज बताना है। सबसे पहला तो सर, आपने जो त्राटक बोला था, श्रीयंत्र त्राटक जो हम थर्ड लेवल पे कर रहे थे, उसको करने में मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि वो त्राटक जब करके आंख बंद करती है तो मुझे माँ लक्ष्मी दिखाई देती है। बहुत अच्छी। तो सर जो त्राटक हम वो वाला कर रहे हैं और जो आपने अभी अंतःकरण का त्राटक दिया है, वो दोनों साथ साथ में कर सकते हैं? हाँ देखो, अलग अलग भी कर सकते हो, सेम भी कर सकते हो, दोनों का प्रोसेस एक ही है। बस मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चेंज किया फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण भी कर लो क्योंकि वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। लेकिन दूसरी चीज करना पे करो। ठीक है जी जी। दूसरी चीज सर, आपने वायलेट ब्रीथ के बारे में जो बताया था जिसकी प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, तो उसको सर जब हम हील करते हैं किसी को पर्टिकुलर, जैसे मैं अपने हस्बैंड को अभी हीलिंग दे रही हूँ, तो जो वायलेट ब्रीथ है मैं उनके लिए भी यूज कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकते हो ना। देखो वो आपके अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और हीलिंग के दौरान अपने पावर को बढ़ा के दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सर जब ग्रिड बॉक्स में जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली ना, एनर्जी बढ़ता है तो आपको पता चल गया, राइट? हाँ सर, बकायदगी फील होता है, वो एनर्जी आगे से पीछे जाते हुए फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है ना, मुझे पता है, तभी तो मैं आपको दिया ना प्रैक्टिस के लिए, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तभी तो मैं देता हूँ। संजना जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, मेरी बेटी को सेम प्रॉब्लम थी, वो भी 13 इयर्स की है। सर बच्चों को कुछ नहीं बोलना है, बच्चों को अपनी सिचुएशन में बच्चों को रख के उनसे उसके क्वेश्चन का आंसर लेना है कि देखो मेरी फ्रेंड मेरे साथ ऐसा करती थी, मुझे क्या करना चाहिए था। ठीक है, बच्चे सही आंसर देते हैं, वही उनको इम्प्लीमेंट करने बोलना है सर, उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा सा। सॉरी सर, मैं सजेशन दे रही हूँ क्योंकि आपने तो ऑलरेडी किया है ना इस चीज को। जी जी जी, किया है तो डेफिनेटली ये काम की चीज है और आपने सही। थैंक यू सर। कंचन पूछ रही है वायलेट ब्रेथ क्या होता है, ये थोड़ा सा मास्टर लेवल का है कंचन, अभी आपको नहीं बताएंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लेवल के हैं, जो क्वेश्चन पूछता है मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन ये हाई लेवल का है, मास्टर लेवल का है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना पर सम टिप्स ऑन ग्राउंड एज सिचुएशन अलार्मिंग फॉर कोरोना। डॉक्टर अनुज प्लीज कुछ बोलिएगा प्लीज। डॉक्टर अनुज, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ सो दैट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सभी लोग रियल डॉक्टर से भी कुछ सुन ले। डॉक्टर अनुज प्लीज आएंगे। डॉक्टर अनुज नहीं, अनिल गुप्ता, अनिल गुप्ता आपको भी पूछते हैं। आवाज आ रही है? हाँ अनुज, डॉक्टर अनुज प्लीज कम, वेलकम। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? डेफिनेटली आ रही है, लाउड एंड क्लियर, बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो अनुज, बोलिए बोलिए। तो
हाँ बोलिए सर, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा सर, क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, मैं थोड़ी देर ठीक है, कोई बात, हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप बहुत बहुत अच्छे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अनुज आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, उनका शायद संपर्क टूट रहा है, कोई बात नहीं। अनिल गुप्ता आपको कुछ बोलना है, पूछना है? अनिल गुप्ता प्राची आपको कुछ पूछना है, जल्दी जल्दी नाम लूंगा, जिसको आना है आइएगा। प्राची हेलो, हाँ प्राची, राजश्री, राजश्री आइए प्लीज, राजश्री बोलिए। आवाज आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। मूलाधार चक्र की अपन हीलिंग करते हैं आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, है ना? हेलो हेलो, हाँ बोलिए प्लीज, किसके लिए? हाँ मूलाधार चक्र की अपन आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए हीलिंग करते हैं ना? बिल्कुल। हाँ तो वो अपन चक्र मेडिटेशन करते हैं तो उसमें दिक्कत है, मतलब आर्थिक परिस्थिति में, तो चौकुरे से एक ही चौकुरे का मतलब उसमें कितनी देर हीलिंग करनी चाहिए? चौकुरे से एक ही चौकुरे से कितनी देर हीलिंग करनी चाहिए, जब ये पूछते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ श्रद्धा अनुसार करनी चाहिए कि आप कितना चाहते हो उसको करना पाना, कितनी आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है कि मुझे वो पाना ही पाना है, कितनी आपकी जिद है, और प्लस आपके पास कितना टाइम है जो आप दे सकते हैं। अच्छा। अगर मान लो आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट दे दो, अगर 10 मिनट है 10 मिनट दो, आधा घंटा है तो आधा घंटा दो, ठीक है? इसमें कोई टाइम लिमिट मैं फिक्स नहीं कर सकता, ऊपर भगवान को भी नहीं कर सकता, मेन है कि आपको कितनी जरूरत है उसके मतलब वो कलर नहीं कलर भी इतना टाइम मिलेगा आप दे, ठीक है? और वो चक्र का कलर भी दिखना जरूरी है क्या, मतलब ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप मेडिटेशन कर रहे हो तो जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर हीलिंग की बात करती हो तो आप टीवी देखते हुए भी हीलिंग कर सकते हो ना, अपना हाथ को रूप चक्र पर रखो, हीलिंग दे दो, क्या दिक्कत है? इसलिए मेडिटेशन और आपको कलर सोचने की जरूरत है, टीवी देखते हुए भी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो हाँ कलर भी सोचो तो अच्छा है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल गुप्ता आपको कुछ बोलना है? हाँ सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, प्लीज जल्दी जल्दी बोलेगा। हाँ सर, सर जो रेकी आह्वान करने से पहले जो आपने बताया था कि ज्ञान मुद्रा बैठ के लम लम करके आह्वान करना है, वो जरूरी करना पड़ता है क्या? ज्ञान मुद्रा बैठ के बारह मिनट लेवल में हो अभी अनिल? सर फर्स्ट लेवल में। सर फर्स्ट लेवल में हो तो आप बहुत हाई लेवल में चले गए, वो सब मैंने आपको नहीं, आपका वीडियो सर जो भेजा था उसमें था, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। वीडियो भेज रहा हूँ वो यूट्यूब में जनरल पब्लिक के लिए है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए फिलहाल नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं पहले भी बोला, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हो और आपका एक पर्टिकुलर लेवल है, चाहे रेकी लेवल 1 2 हो या 3 हो या मास्टर लेवल, उस लेवल के हिसाब से मैं एक पूरा कार्यकलाप आपको देता हूँ, गतिविधियाँ जो की डेली एक्टिविटी होती है, सिर्फ वो करना है। तो मैंने आपको लम और ये सारी चीजें कहाँ लिख के दी, आपको वर्कबुक में चेक कीजिएगा प्लीज, नहीं है वहाँ। नहीं सर, आपने उसमें और जो वीकली माइंड मैप कोर्स जो दिया है सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, उसमें था, इसीलिए उसमें नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेली एक्टिविटी चार्ट को फॉलो करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अभी से लेकर आगे तक जब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मास्टर ग्रैंड मास्टर अगर बनते हैं, तो मैं सिर्फ आपको वर्कबुक में एक डेली एक्टिविटी बना के दे रहा हूँ, वो आपकी असाइनमेंट है, आपको ध्यान कहीं भटक ना जाए, इसलिए मैं बना के देता हूँ कि इसके अलावा कुछ और ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ यही करो। कोर्स के बाद टाइम में पूरी दुनिया में कुछ भी एक्सप्लोर कर लो, आपका पूरा यूट्यूब आपका यूनिवर्सिटी है, वहां से कुछ और भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ आपके लेवल के हिसाब से, तो प्लीज अपने हायर लेवल आप मत ना करें, वो आपके लिए अभी काम का नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, आप भटक जाओ फिलहाल वो। ठीक है सर, 12 मिनट डेली जो करना वो फिलहाल वो कर सकते हैं ना, 12 मिनट जो डेली करना है। बिल्कुल, जितना आपको डेली एक्टिविटी चार्ट में आपके वर्कबुक में मैंने खुद बताया हुआ है, इस हफ्ते ऐसा करो, तीसरे हफ्ते ऐसा करो, प्लीज उसको फॉलो करो ना, हमारे पास टाइम भी तो कम है ना, अपने फैमिली को देना है, अभी फिर हमें काम करने भी जाना है, कितने सारे काम होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करोगे, काम प्रैक्टिस तो इतने सारी है कि हम मतलब मेरा को तो टाइम कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपको पाना क्या है, आप अपनी हीलिंग कर सको अभी के लिए, दूसरों की हीलिंग छू के कर सको, इतना ही तो चाहिए आपको, और वो मैं आपको दूसरे की हीलिंग टच कर रहे हैं सर, अभी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 10 दिन हुआ मुझे केवल, इमीडिएटली नहीं होता, और ये फर्स्ट लेवल है, मैं पहले बोल चुका था कि एंट्री लेवल आपकी एंट्री दी है, आपको जो रिजल्ट मिलना है वो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में है, जो लोग बोल रहे हैं फायदा होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें निकल रही है, मैं शुरू से बोल के चल रहा हूँ कि वो कंबाइंड कोर्स होता है, जिसमें सेकंड लेवल का बूस्ट ऑफ एनर्जी और पावर्स मिलता है अनिल,
ये मैं शुरू में आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप शुरू से लेके बैठे हो तो ये आपने लिया, मैंने नहीं किया, तो आप थोड़ा सा लेट ही आएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ फर्स्ट लेवल टच ही लेगा, आपको सेकंड लेवल का लेके पूरा कंबाइन करना है, उसी में चौकोरी से है कि कॉन्सेंट्रेशन और डिस्टेंस हीलिंग बहुत सारी चीज है जो पावर देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक आप फर्स्ट लेवल नहीं करोगे ना जल्दी क्या है, जल्दी भी तो नहीं होनी चाहिए ना, इतने सालों से पेशेंस रख रहे थे, कितने साल के हैं आप राइट, आज के डेट में आप बोलते हो कि अभी अभी रिजल्ट मिलना चाहिए, उसको बिगड़ने में जब इतना टाइम लगता है तो सुधारने में कम से कम 3 महीने का टाइम तो मैं बोलता हूँ कि लगना चाहिए, आराम से कीजिए, बिल्कुल ये आर्ट है और यहाँ हीलिंग हो रही है, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कि तो आपने डेटॉल लगाया मरहम पट्टी कर ली तो हो गया, यहाँ पे हीलिंग हो रही है, चोट क्यों लगा उस पे काम होता है, इसीलिए आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपग्रेड करें क्योंकि वहां पे सचमुच भेज लेंगे कि पैसे मिलेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे जादू है और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि सचमुच में मिरेकल्स होते हैं, फास्टर रिजल्ट आता है, तो कोशिश कीजिए अदर लेवल में बिल्कुल सर रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस कर लीजिए अनिल जी, ठीक है अनिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, प्राची को कुछ पूछना है, मैं एक दो लोग और सवाल लूंगा उसके, हेलो हेलो सर, प्राची देसाई, सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे अभी 4 या 5 ही दिन हुए हैं आपसे जुड़े हुए, okay. और आज कल सुबह ही मेरा अटेंडमेंट हुआ है, कल सुबह मैं बहुत जी कल सुबह मॉर्निंग में, और मैं बहुत ज्यादा एक ही दिन हुआ है आपको हीलिंग करते हुए, सिर्फ एक दिन हुआ, कल सुबह आपको जी कल अटेंडमेंट मिला है और मैंने प्रैक्टिस मैंने आज की है जी, ठीक है, मतलब अभी करीब करीब 24 घंटे हो रहे हैं, तो आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ फायदा हुआ क्या, मैं पॉजिटिव हुई हूँ, जबकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव मानती हूँ, बट मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर पाई है जस्ट विद इन 4 or 5 days और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस प्रॉब्लम इज दैट कि मैं जितनी एक्साइटेड होकर कोई भी काम शुरू करती हूँ उसे छोड़ भी देती हूँ बहुत जल्दी, अगर मैंने टीचिंग जॉब स्टार्ट किया है तो मैं 2-3 महीने जाके छोड़ दूंगी कि ठीक है मुझे मजा नहीं आ रहा है, बस मुझे खुद से ये डर लग रहा है कि मैं इसको छोड़ ना दूं, ठीक है आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, ठीक है पड़ा रहेगा और मैं आपके साथ लगा रहूंगा, मैं आपको मैसेज करता रहूंगा, व्हाट्सएप करता रहूंगा, ग्रुप में डालूंगा, वहां भी लोगों से आपको कंटिन्यूस इंटरेक्शन होगा, फिर मैं वीकली मास्टरमाइंड क्लास कराऊंगा, उसके लिए आपको इनविटेशन आएंगे, हर हफ्ते मैं मिलूंगा आपसे, मैं फीडबैक लूंगा, डेली एक्टिविटी चार्ट में आप करके मुझे बोलूंगी कि सर मैंने किया, यहाँ पे ना मैं लगा रहता हूँ आप करो बोल के, ठीक है, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये करता हूँ, तो आप अभी जुड़े हो तो मैं छोड़ तो नहीं रहा, एटलीस्ट वीकली वंस तो मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर ही सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, तो आप छूटोगे नहीं, इसीलिए मैंने ये सिस्टम पूरा ये पूरा हब मैंने बनाया है, ताकि पहले जो ट्रेडिशनली लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि सीखा लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं किया, फिर आपको मन हट गया, गाइडेंस नहीं मिला, वो नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं अलग टाइप से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चिंता मत कीजिए आप सही जगह पे हो, और इस बार आप 100% पॉजिटिव रहेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और सबसे बड़ी बात रिजल्ट भी आएगा धीरे धीरे, थैंक यू सो मच, मचाएंगे लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर, ठीक है प्राची, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बात तो करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अनुज पॉल को एक बार बुला लूं क्योंकि अभी के टाइम पे उनसे बात करना बहुत बढ़िया रहेगा, डॉक्टर अनुज आप आना चाहेंगे अभी प्लीज, सर यस सर, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सबको सब पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रेकी फैमिली मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो आपको थैंक यू बोलना चाहिए आज के डेट में हम लोग सर सर नहीं नहीं आप लोगों का भी बहुत अच्छा साथ रह रहा है क्योंकि सर अगर ये लॉकडाउन अगर नहीं माना जाता तो सर हम लोग खुद भी क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपोज्ड हैं सर एंड वी आर दी फैक्ट्रीज ऑफ कोरोना वायरस क्योंकि अभी सारे पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं तो अगर जो लॉकडाउन को जो जितने थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा मुझे पता है लेकिन सर हम लोग जो है जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को आपके मैंने आप लोगों के जो जो क्वारंटाइन कर रहे हैं और जो भी सर आप लोग जो मान रहे हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और सर हम लोग को भी बहुत उससे जो है इजी हो रहा है क्योंकि पेशेंट लोड दूसरे कंट्रीज के मुकाबले सर हमारा परसेंटेज बहुत कम है अभी कुछ दिनों में सर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो न्यूज में सबको पता चला है तो बस उसी के कारण था नहीं तो ये और भी कटेल हो सकता था बट एनीवे हम लोग सर सब चीज में लगे हुए हैं कई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स भी हम लोग सर हम लोगों ने देखा है तो जस्ट कंटिन्यू कीजिए सारे जो हैं मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं अपने रेकी फैमिली के
थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुज आपके काइंड वर्ड्स के लिए डेफिनेटली और आप करते रहे अपना काम बढ़िया कर रहे हैं आप भी सेफ रहिएगा ओके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल हम लोग बस सर ये है मेरा थोड़ा सा फोरम में ये पूछना था आपसे खास करके सर कि अभी जो सर जो जितने भी पेशेंट हैं सर सबको ग्रुप में सर तो मतलब मैं कर तो रहा हूँ सर डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहा हूँ लोगों को जो भी एडमिट हुए हैं और या जो भी सस्पेक्टेड हैं तो सर मैं ये चाह रहा था कि क्या इसमें कुछ जैसे ग्रुप में करने का सर कुछ और कोई पद्धति है क्योंकि सर उसमें जो है सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर इंडिविजुअल का तो मैं कर ले रहा हूँ सर इंडिविजुअली कर ले रहा हूँ बट जो ग्रुप में इतने सारे हैं सर एक तो सबका चेहरा याद रखना मुश्किल है बिल्कुल है मेरे पास उसका थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मैं आपको वही बता दूं डॉक्टर अनुज की मेरे पास एक अलग सा ग्रुप भी है जो डेडिकेटेड है वॉलंटियर्स है जो ये कोरोना से पहले से भी हम लोग हीलिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड है जिनको भी कोई इमरजेंसी हीलिंग की जरूरत हो जो मेरे स्टूडेंट ना हो जो नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए हम लोग करते हैं और कुछ दिन के लिए हम हफ्ते 10 दिन के लिए उनको अलग से हीलिंग दे देते हैं यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट है जिसको आप एडिशनल कुछ हेल्प करना चाहते हैं असिस्टेंट देना चाहते हैं आपके पास टाइम नहीं होगा हम मानते हैं तो आप प्लीज मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें उसका फोटो और उसका लोकेशन बताएं और फिर मैं अपने डेडिकेटेड ग्रुप को वॉलंटियर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा और वो लोग डेफिनेटली टेक केयर करेंगे वो लोग रेगुलर बेसिस पे हीलिंग देंगे डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं राइट ठीक है तो आप मुझे डायरेक्टली उनका मुझे डिटेल्स दीजिएगा अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है हमारे पास है और हम लोग ये सब करते रहे हैं हमारे पास एक अलग सा ग्रुप है जो पूरा का पूरा देश के लिए और वर्ल्ड के लिए भी डेली बेसिस पे हीलिंग कर रहे हैं ओके उस ग्रुप का नाम मैंने भारतवर्ष हीलिंग लिखा है लेकिन उसमें हम पूरे वर्ल्ड के लिए हीलिंग दे पा रहे हैं और डेली बेसिस पर हम करते हैं सुबह शाम अपने हिसाब से हीलिंग दे रहे हैं प्लस एक अलग से हीलिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड ग्रुप है उसमें भी जो आप बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की चीजें जो आप करवाना चाहते हैं आप प्लीज मुझे बताइएगा डेफिनेटली वी विल डू समथिंग ओके ठीक है डॉक्टर अनुज सर 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 बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप कीजिए अपना काम और हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए हम भी इस पे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक है श्योर सर थैंक यू सो मच अनामिका पूछ रही है कि सर विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा अनामिका जरूरत नहीं है विजुअलाइजेशन अगर नहीं होता है तो सिर्फ आप कल्पना करें कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं ओके जैसे मैं बोलूंगा कि आप कल्पना करो कि आप सेब देख रहे हो आप कल्पना करो कि एक एप्पल देख रहे हो आप बोलोगे कि सर मैं आंख बंद करती हूँ मेरे को एप्पल दिखता नहीं हो ही नहीं सकता जब आप एप्पल बोल रहे हो तो आपको रेड कलर का एप्पल दिखता है ना अब आप उसको उसको पूरा वर्चुअल पूरी तरह से रियलिटी के साथ में देखे और उसको छू सके ऐसा तो होगा नहीं तो आपको सिर्फ कल्पना करनी है कि मैं देख रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं कल्पना कर रही हूँ बस आपको एक्टिंग करना है और कल्पना करने की कल्पना करनी है एंड योर विजुअलाइजेशन विल बी डन तो उसके लिए चिंता मत कीजिए आपको सिर्फ कल्पना करना है और धीरे धीरे वो पक्का हो जाएगा ठीक है सचिन गुप्ता पूछ रहे हैं वी बोथ डूइंग अर्थ हीलिंग ऑन डेली बेसिस सिंस लॉकडाउन बिगिंस ओके सचिन गुप्ता और उनकी वाइफ है दोनों मेरे स्टूडेंट है वो लोग बोल रहे हैं कि वो रेगुलर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सचिन मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मैं आपको उस ग्रुप में भी डाल दूंगा सो दैट आप लोग एक साथ कर सके ठीक है आप लोग प्लीज जिसको भी ग्रुप में होना है प्लीज मुझे पर्सनली फोन कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा मैं आपको ले लूंगा अगर किसी को अभी कुछ पूछना हो या फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज बता दीजिएगा बाकी नहीं तो मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा अगर किसी को पूछना हो बताना हो तो मुझे बोलिएगा पराग ने बोला है मी तो पराग प्लीज आइए पराग कौन है आइए सर मैं मेघना बोल रही हूँ मेघना सर सर पराग के ना सर मुझे दो प्रश्न पूछने सर मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि अगर तीन डिजीज में आपको बताती हूँ डायबिटीज ब्लड प्रेशर और थायराइड ये तीन डिजीज में अगर हम हीलिंग देते हैं और हम अगर सेटिस्फाइड हो गए कि हीलिंग हो गया है तो फिर हम क्या बोले मतलब टेस्ट करवाने के लिए और किस प्रकार से मुझे कुछ मतलब क्लियर नहीं है समझ आ रहा है सर हाँ मुझे समझ में आ रहा है कोई पूछ रहे हैं कि कैन आई लीव पूछ रहे हैं पूर्वी इफ यू वांट टू गो यू कैन गो वेरी गुड थैंक यू सो मच पूर्वी ओके और जिसको और को भी जाना जा सके मैं कुछ लोगों से और क्वेश्चन ले लूं फिर मैं भी क्लास को खत्म करूंगा मेघना पूछ रही है कि किसी को डायबिटीज है ब्लड प्रेशर भी है और थायराइड भी है हीलिंग दिया पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि हीलिंग आपकी कंप्लीट हो गई है क्या वो ठीक हो गए मेघना नहीं सर ठीक नहीं हो गए मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पेशेंट को क्या बोले कि कितने वक्त मतलब कितनी कितनी देर में आप टेस्ट करवाते रहिए या मतलब ये मैं क्लियर नहीं देखो शुगर का पेशेंट में आप जब हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए क्योंकि आप हीलिंग करते हैं तो वो डाउन जाएगा वो मेडिसिन लेते हैं तो और डाउन जाएगा
तब दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उनको डेली बेसिस पर चेक करना या दो या तीन दिन में कुछ होता है उनके पास सिस्टम, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेंजरस हो सकता है। बीपी के केस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना कि आप हीलिंग करते हैं तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, मेडिसिन भी लेते हैं तो और ज्यादा डाउन होने के चांसेस है। हमारे पास उसविंदर जी है जिन्होंने एक्चुअली किया हुआ है, उन्होंने कोई ऐसे मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ हीलिंग और नेचुरल तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बीपी को कंट्रोल किया है, लेकिन अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना, 3 दिन 7 दिन 10 दिन चेक जरूर करा लेना, ठीक है, शुगर वाले को। और बीपी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उनका मेन है मणिपुर चक्र पूरा ठीक करना है, जी सर, तो शुगर मणिपुर चक्र से होता है, और जो थायराइड की बात आ रही है, थायराइड तो सिंपल आपको विशुद्ध चक्र की हीलिंग करनी है, ये बैलेंस हो जाएगा थायराइड उसका खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाइपोथायराइड दोनों ठीक कर सकते हैं आप, यहाँ पे हीलिंग देंगे, ठीक है, और इस चक्र पे आपने रेगुलर बेसिस पे हीलिंग करना है, मणिपुर चक्र पे ध्यान देना है, पूरा ठीक होना चाहिए, तब जाके लॉन्ग बेसिस पर, एक दिन में नहीं होगा, महीना दो महीना 3 महीना तक लग सकता है, आप रेगुलर हीलिंग दीजिए सर। एक और डॉक्टर अनुज पॉल ने बोला है कि वंस अ वीक इज इनफ फॉर डायबिटीज, ओके, खुद एक डॉक्टर बोल रहा है, तो प्लीज आपके जवाब ये है कि हफ्ते में एक बार जरूर चेक करा लेंगे डायबिटीज, ओके जी सर, थैंक यू सर। सर एक और सवाल है, थायराइड के लिए बोला है 3 महीने में एक बार चेक करो तो काफी रहता है, थायराइड 3 महीने में एक बार, ओके सर, ओके सर, बोलिए सर। सर और एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना हीलिंग देने से पहले अपने आप को चौकोरेज से प्रोटेक्ट करना भूल जाती हूँ या रह जाता है, तो हीलिंग होने के बाद अगर हम अपना ऑरा काट के फिर चौकोरेज से सहस्त्र चक्र पे आह्वान करके फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे तो ये इक्विवेलेंट रहेगा प्रोटेक्शन और ये चीज, या फिर नहीं होगा? इक्विवेलेंट नहीं हो सकता ना, प्रोटेक्शन आपको पहले ही लेना है ना, ठीक है, आप प्रोटेक्शन पहले लेंगे, आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे तब जाके सामने जाएंगे तो गोली मारेगा तो आप बचेंगे, आप बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के जा रहे हो, पहले लड़ाई हो गई, गोली उसने मार दी, फिर उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे तो क्या फायदा, इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, आपको पहले ही प्रोटेक्शन लेना है, बाद में लेके फायदा नहीं, आप बाद में लेके उसके बाद का कोई इफेक्ट है तो उससे बचेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप उसके नेगेटिव एनर्जी के ऑरा में आ गए तो दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर हम उसको ठीक तो कर लेंगे, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने बोला कि प्रोटेक्शन ले लो, हमेशा याद रखो कोई भी हीलिंग करो तो प्लीज हीलिंग करते हैं प्रोटेक्शन ले लो, विद इन सेकंड्स तो होता है, 30 सेकंड लगेंगे अगर आप सोचेंगे, भाव करेंगे और जस्ट इमेजिन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चौकोर ऊपर प्रोटेक्शन और एक प्रोटेक्शन शील्ड की आप कल्पना करो, दैट्स ऑल, हो गया ना, 30 सेकंड ओके सर, यही हीलिंग करेंगे तभी आपको फायदा, ठीक है पराग मेघना जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। करीब करीब 8:30 हो रहा है, अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो बोलिएगा, अदरवाइज आज की क्लास खत्म होती है, किसी को पूछना हो तो प्लीज जल्दी से बोलिएगा, वी आर लिविंग सर, प्लीज जिसको जाना है जा सकते हैं, मैं कुछ और लोगों से कुछ सवाल लेना चाहूंगा अगर वो लोग पूछना चाहते हैं। संजना ने पूछा है, प्लीज लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे, संजना प्लीज पूछिए क्या क्वेश्चन था, ऊपर चला गया मुझे पता नहीं, ओके आप प्लीज पूछिए संजना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं ये पूछ रही थी, वो डॉटर को डिस्टेंस हीलिंग देना है या उसको मतलब टच करके सुलाकर? आपके घर में रहती है? यस यस। तो अगर उसको दिक्कत नहीं है, वो बैठ सकती है, आप उसको छू सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टच हीलिंग दीजिए, अगर वो टच करके हीलिंग नहीं करती है तो डिस्टेंस हीलिंग दीजिए, कोई बात नहीं, टच करना भी जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर टच कर सको तो उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे आप दोनों का कनेक्शन अच्छा बनेगा, रिलेशनशिप पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। कंचन आपका लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे, बोलिए कंचन, बोलिए कंचन। नमस्ते सर, मैं कह रही थी मेरा 1 महीना तो पूरा हो गया है, क्या सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही कंचन? हेलो, आप बोलिए, बोलिए कंचन। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरा 1 महीना पूरा हो गया है, ठीक है, तो मेरे को क्या वर्क बुक वापस छपवानी है? वर्क बुक में सिर्फ 2 चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है, अगर आपको आगे भी प्रैक्टिस करनी है, महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल लगातार उसी को प्रैक्टिस करना है, तो 2 चीजें आपको, एक है डेली जो आप कागज पे बना सकते हो, अलग से बना लो ना, क्या दिक्कत, हाथ से बना, ठीक है, दूसरा आपको ग्रेटिट्यूड है, वो अलग से किताब ही खरीद लो, अलग से बच्चों का कोई कॉपी ले लो जो रफ बुक होगा उसमें आप लिखना शुरू करो, वो तो लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट आ रहा है तो रेगुलर कीजिए,
आवाज नहीं आ रही आपको, कंचन आपका क्लियर नहीं आ रहा, नेट का प्रॉब्लम हो रहा, प्लीज मैं दूसरे से पूछ लूं फिर आपसे पूछूंगा। विकास आपसे, आपको कुछ पूछना है? विकास, विकास नेमा, विकास हैं आप? अनीता आपको वापस कुछ पूछना है? अनीता, अनीता यस सर, अनीता बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अटेनमेंट के बाद हम अपनी जब हीलिंग करते हैं तो कितने टाइप्स की हीलिंग कर पाएंगे हम अपने लिए? टाइप्स की हीलिंग मतलब? टाइप्स, टाइप्स कैसा टाइप? आप मुझे ना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। वो जैसे फिजिकल, मेंटल सारे कर पाएंगे आप? अनिता आप जो सीख रही हो ये टच हीलिंग है, टच करके आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के लिए हीलिंग देंगे। ओके और आगे जाके रिलेशनशिप भी ठीक हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगा। पहले ही मैंने बताया कि अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाना है, जिसमें महीना, दो महीना, तीन महीना टाइम लग सकता है। हीलिंग देते रहना है और उसको बोलने की जरूरत नहीं कि किस चीज के लिए हीलिंग ले रहे हो आप। सिंपल आपको हीलिंग बताया गया, कम से कम 12 मिनट हीलिंग करना है, हीलिंग कर लो और काम खत्म करो, काम पे चलो। ठीक है, हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही टाइप से हीलिंग करना है, बस एक ही जगह पे बैठ के हीलिंग करना है। और अब लेटे लेटे भी कर सकते हो, लेकिन जैसा बोला जाता है वैसे करना है। पहले 12 मिनट करेंगे, अगले हफ्ते 36 मिनट करेंगे, उसके अगले हफ्ते थोड़ा सा बढ़ाएंगे 45 मिनट करेंगे, उसके अगले हफ्ते 72 मिनट की हीलिंग होगी। अगर आप बीमार हो, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स आपकी ज्यादा है तो 72 मिनट भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पहले मैंने बताया कि सिर्फ 12 मिनट की हीलिंग भी चलेगा। इसमें अलग अलग टाइप की जरूरत नहीं, आप सिंपल हीलिंग करो और काम पे चलो। ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते कि आप लगातार उस पर काम करो। कल से करेंगे ना, शुरू तो कीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो करके देखिए। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, लोग फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं, ग्रैंड मास्टर लेवल तक जा रहे हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ फायदा होता होगा, कॉन्फिडेंस आता होगा, तभी तो वो लोग करते हैं ना, दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ तो देखना चाहती हूँ ग्रैंड लेवल तक, सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अनीता। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी कल शुरू कीजिए, आपका तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आई वुड लाइक टू लीव, थैंक्स। ओके ठीक है, सभी लोगों को मैं विदा लेता हूँ, बहुत देर हो गई। एंड मैं मानता हूँ कि अभी मैक्सिमम लोगों को मैंने क्वेश्चंस ले लिया, अगली बार फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर हफ्ते का ये क्लास है। ओके, अगले हफ्ते मिलते हैं। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। गुड नाइट एंड बी सेफ। ओके, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।